वेस्ट यूपी की कई सीटों पर भाजपा नए उम्मीदवार उतार सकती है। वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पैनी और अंदर तक की खबर रखने वाले अवनींद्र कमल की स्टोरी तो यही बयां कर रही है, और उनकी स्टोरी के बाद से वेस्ट यूपी में सियासी सरगर्मी और ज्यादा बढ़ चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार कैराना लोकसभा सीट पर भाजपा में टिकट के दावेदार तो कई हैं। मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी तो हैं ही, इनके अलावा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान, पूर्व सांसद स्वर्गीय हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह का नाम तो खूब चर्चाओं में है। लेकिन अवनींद्र कमल की रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार में मंत्री और मेरठ दक्षिण से भाजपा के विधायक सोमेंद्र तोमर को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सोमेंद्र तोमर भी गुर्जर समाज से ही आते हैं। अब वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट में दूसरी बड़ी बात मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर है। मुजफ्फरनगर से मौजूदा सांसद डॉक्टर संजीव बालियान हैं, जिन्होंने 2019 में तत्कालीन रालोद मुखिया चौधरी अजीत सिंह को शिकस्त दी थी। अवनींद्र कमल की रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान का लोकसभा चुनाव लड़ना तो तय है, लेकिन संजीव बालियान को भाजपा किसी और सीट से उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि दैनिक जनवाणी में प्रकाशित इस राजनीतिक स्टोरी में ये जिक्र नहीं है कि संजीव बालियान कहां से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। पूर्व में संजीव बालियान के लिए बिजनौर सीट की चर्चा तो चली थी। इस स्टोरी में पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी का भी जिक्र है कि अगर भाजपा में वह शामिल हो जाते हैं तो भाजपा किसी सीट से उन्हें भी उम्मीदवार बना सकती है। साथ ही ये भी संभावना और आशंका व्यक्त की गई है कि गाजियाबाद सांसद जनरल वीके सिंह, बागपत सांसद सत्यपाल सिंह, गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट खटाई में पड़ सकता है। ये भी बताया गया है कि गठबंधन के सामने भाजपा के लिए मुकाबला वेस्ट यूपी में आसान तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि अगर भाजपा और जयंत चौधरी के बीच कोई गठबंधन होता है तो वेस्ट यूपी के सभी समीकरण बदल जाएंगे।